गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 8 गणित का वीडियो भाग 19 है और आज के इस वीडियो भाग में हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। ये प्रश्न को देखते हैं। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। आधा भाग, हम मान लेते हैं कि हिरण का जो झुंड है उसकी संख्या जो है वो एक्स है, मतलब कुल हिरण जो है एक्स है, तो उसका आधा भाग जो है वो मैदान में चर रहा है। आधा भाग अर्थात किसी भी संख्या को 2 से भाग कर दो तो उसका आधा भाग है, मतलब एक्स बटे 2। और शेष का जो शेष बचे, मतलब आधे में से जो शेष बचे हैं, शेष का 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। ठीक है, शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पी रहे हैं और बाकी जो 9 हिरण बचते हैं उसमें से वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की कुल संख्या आपको बताना है और हमने हिरणों की कुल संख्या को एक्स माना है, तो आप जो है एक्स की कीमत जो है एक्स का मान बताओगे। ठीक है, सर्वप्रथम हम लिखते हैं कि माना कि हिरणों की कुल संख्या x है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है हिरण के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो यहां लिखेंगे मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या, तो कुल का आधा था x बटे 2। अब जो है क्या लिखा हुआ है, 3/4 जो है खेल कूद रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे खेल कूद रहे हिरणों की संख्या। अब यहाँ कहा जा रहा है कि शेष का 3/4। अब अगर x में से आधे जो है मैदान में चल रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, तो बचेंगे कितने, आधे ही बचेंगे, तो आधे का 3/4 अर्थात x बटे 2 का 3/4 3/4। इसका अर्थ क्या होगा, x बटे 2 गुणे 3/4, अंश का अंश से गुणा हर का गुणा, अर्थात 3x/8। अब जो है कुछ जो है लिखा हुआ है वहां पर कि शेष बचे जो 9 हिरण है वो तालाब में पानी पी रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे तालाब में पानी पी रहे हिरणों की संख्या वो कितनी है, 9। अब आपके पास और कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ जानकारी नहीं है, तो आपको इन्हीं से जो है एक समीकरण तैयार करना है। तो समीकरण कुल किस तरह से आपको बनाना है, तो ये जो है कुल है, हिरणों का जो कुल संख्या है वो x है, और इसी x को क्या किया गया है, छोटे छोटे भागों में कुछ हिरण जो है मैदान में चल रहे हैं, कुछ जो है खेल रहे हैं और कुछ जो है तालाब में पानी पी रहे हैं, तो इनको ही क्या करना है, इस x को ही क्या किया उसने, टुकड़े टुकड़ों में विभाजित कर दिया। तो ऐसे में हम समीकरण कैसे बनाएंगे, इन सभी का जोड़ को कितना निकलेगा, कुल x ही निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से x बटे 2, 3x/8 और एक है 9। ठीक है, ये उतने ही हिरण है जितने हिरण ये है, तो आइए अब इसको हल करते हैं और x की कीमत प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इस 9 को दाएं पक्ष में जो है ट्रांसफर कीजिए, यहाँ से पक्षांतर कीजिए और x को एक तरफ लाइए, तो यहाँ हो जाएगा x बटे 2 प्लस 3x/8, ये ऋण x हो जाएगा और 9 जो है वो ऋणात्मक में 9 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लसर के माध्यम से सवाल को हल कर सकते हैं, तो लसर जब आप लेंगे तो इसका लसर जो है आएगा वो है 8, तो यहाँ आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 4x, यहाँ आप 1 से गुणा करेंगे और यहाँ आप 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x बराबर ऋण 9। अब 8 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे उस तरफ और यहाँ पर हम जोड़ और घटाव कर लेते हैं, 4x और 3x जो है 7x हो जाएगा, 7x में से 8x निकलेगा तो माइनस एक्स होगा और इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो 9/8 72, ऋण 72, ये ऋण से ऋण कट जाएगा तो x बराबर जो है 72 आएगा। तो अब आप लिख सकते हैं कि हिरण के झुंड में जो है हिरणों की कुल संख्या जो है कितनी है,
72 है। तो आज की इस वीडियो भाग में इतना ही, धन्यवाद।